हाँ जी, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था किंगडम मोनेरा पढ़ा था, ठीक है। और किंगडम मोनेरा के बाद हमने मोनेरा के क्या क्या क्लासिफिकेशन है वो हमने जाना, कि इसके अंदर आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज एंड माइकोप्लाज्मा, ये आते हैं। हमने इन सभी के एग्जाम्पल्स भी जाने, ठीक है, जो कि आप जानते हो। उसके बाद फिर हमने आर्की बैक्टीरिया के बारे में जाना, इसका हैबिटेट हमने जाना कि कहाँ रहता है, इसका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी हमने जाना कि इसकी बॉडी कैसे बनी हुई होती है, कुछ यूनिक चीजें जो है वो भी हमने माइंड में रखी, लोकोमोशन कैसे करता है ये भी हमने जाना, और फिर न्यूट्रिशन कैसे करता है, रेस्पिरेशन कैसे करता है, रिप्रोडक्शन कैसे करता है, और इसका क्या डिस्टिंक्ट फीचर है वो भी हमने जाना। एंड आई होप आप लोगों को जो मैंने डायग्राम दिया होगा, जैसे कि माइको सॉरी मिथेनोकोकस का या फिर मिथेनोबैक्टीरियम का, वो आपने बना लिया होगा गूगल करके, आपने कुछ इस तरह का डायग्राम देखा होगा, ठीक है। ये है मिथेनोबैक्टीरियम, कुछ नहीं है, बैक्टीरिया के डायग्राम्स में आप सर्च कीजिए और बनाइए। करवाओ और यस पूछिए। करवाओ। ओके चलो आगे बात करते हैं। अब यहां तक हम जान चुके थे, है ना, सभी एग्री करते हैं यहां तक? यस सर। ओके चलो इसके बाद आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं यू बैक्टीरिया की, ठीक है। देखिए आज मुझे किंगडम मोयरा ओवर करना है इसी लेक्चर में, तो ध्यान से सुनिएगा, पहले सुन लीजिएगा, लास्ट के 10 मिनट में ही डाउट्स हम लेंगे, ठीक है। जितने भी डाउट्स होंगे हम लास्ट के 10 मिनट में लेंगे, पहले सुन लीजिएगा लेक्चर को। इज दैट ओके और नॉट? यस ओके, पहले मैं जो समझा दे रहा हूँ पहले उस पर फोकस कीजिएगा आप, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं किंगडम मोयरा के जो डिवीजन है यू बैक्टीरिया के साथ। यू बैक्टीरिया के साथ हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था यू मीन्स क्या होता है, यू मीन्स क्या होता है अगर आपको याद हो? हाँ, यू मीन्स होता है ट्रू, मतलब कि एक बैक्टीरिया के बारे में जो हम लोग बात कर रहे होंगे तो उन बैक्टीरिया के सभी फीचर्स को यू बैक्टीरिया एक्सप्लेन करेगा, यू बैक्टीरिया बताएगा उसके बारे में, ठीक है। ये बात है आपको याद रखनी है। इसके बाद यू बैक्टीरिया रहता कहाँ पे है, इसका हैबिटेट है कॉस्मोपॉलिटन। देखो बच्चों, जहां भी वर्ड आ जाए ना कॉस्मोपॉलिटन, देखो एक तो एक वर्ड है अगर मैं आपको याद दिलाऊं, कॉस्मोस। कॉस्मोस आपने सुना है? यस सर। कॉस्मोस मतलब क्या होता है? स्पेस। स्पेस नहीं, देखो होल, पूरा ब्रह्मांड, ठीक है, संसार, होल कॉस्मोस, ठीक है। कॉस्मोस मतलब पूरा ब्रह्मांड। तो यू बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया हैं जो सभी जगह पर मिलेंगे, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे बैक्टीरिया नहीं मिलेंगे। अब ये मत कहना ना सर सैनिटाइजर जहां हम यूज करेंगे वहां बैक्टीरिया नहीं मिलेंगे, वो अलग केस है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं, लाइक कोई भी पानी, हवा, ठीक है, हमारा शरीर, कुछ भी ऐसी जगह नहीं है जहां पे बैक्टीरिया ना मिलते हो। और एक बैक्टीरिया के बारे में जो सभी फीचर्स को एक्सप्लेन करेगा वो कौन से बैक्टीरिया एक्सप्लेन करेगा? यू बैक्टीरिया एक्सप्लेन करेगा, ये मैंने आपको अभी भी बताया है। तो कॉस्मोस है, ठीक है ना, और जो पूरे कॉस्मोस में पाए जाए उसको हम बोलेंगे कॉस्मोपॉलिटन। समझ में आ गया? जो पूरे कॉस्मोस में पाए जाए, समझ में आया बच्चों यहां तक? ठीक है। इसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी, मतलब इसकी बॉडी कैसी होती है। तो देखिए प्रोकैरियोटिक बॉडी है, सभी मोनेरा की बॉडी प्रोकैरियोटिक होगी, ये बात मैं पहले ही बता चुका था। इसके अंदर म्यूरिन प्रेजेंट होगा, बताइए म्यूरिन कहाँ मिलता है? सेल उस सेल वॉल में या मेम्ब्रेन। हाँ, नहीं, सेल वॉल में, सेल वॉल में मिलता है। और म्यूरिन के लिए दूसरी टर्म क्या है मैं बता देता हूँ, उसके लिए दूसरी टर्म है पेप्टिडो ग्लाइकन। मैंने आपको बताया था, या तो आप पेप्टिडो ग्लाइकन बोल दीजिए या फिर आप म्यूरिन बोल दीजिए, बात एक ही है, ठीक है। तो इसके अंदर पेप्टिडो ग्लाइकन प्रेजेंट होता है, फिर इसके पास एक कैप्सूल भी होता है, मैंने कैप्सूल के बारे में बताया था, ग्लाइको कैलिक्स, ठीक है। अब आप एक बात याद रखना, अभी से बता दे रहा हूँ, ये ग्लाइको कैलिक्स अगर बहुत ज्यादा टफली पैक है, मतलब कॉम्पैक्टली पैक है,
अगर इसके अंदर कॉम्पैक्ट पैकिंग मिल रही है और अगर लूज पैकिंग मिल रही है, ठीक है, तो अगर कॉम्पैक्ट पैकिंग मिल रही है तो इसको हम बोलेंगे कैप्सूल, ठीक है, कैप्सूल। मैंने आपको बताया कि कैप्सूल वर्ड क्यों आया यहाँ पे। और अगर कॉम्पैक्ट पैकिंग ना हो, मतलब लूज लूज ढीली ढीली सी पैकिंग हो, इसके ग्लाइकोकैलिक्स की पैकिंग अगर बहुत ज्यादा ढीली हो, मतलब लूज हो, तो उसको तब हम बोलेंगे स्लाइम लेयर। आप इस बात को अभी से याद रखना, स्लाइम लेयर और कैप्सूल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा, इसकी शेप कैसे कैसे मिलेंगी, इसकी शेप मिलेगी स्पाइरल शेप मिल जाएगी, रॉड शेप, कोमा शेप मिल सकता है, ठीक है। अच्छा, और हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं कुछ इसकी बॉडी में, जैसे कि फिम्ब्री और पिलाई, ये सब मौजूद होती हैं, ठीक है। फिम्ब्री एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम फिम्ब्री बोलते हैं, फिम्ब्री हम बोलेंगे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को। जितनी भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है बैक्टीरिया के शरीर में, उनको हम फिम्ब्री बोलेंगे। पिलाई फिम्ब्री से लेस नंबर में मिलते हैं, मतलब कि पिलाई के जो नंबर हैं वो फिम्ब्री से कम होते हैं, मतलब फिम्ब्री ज्यादा मिलेगा और पिलाई कम नंबर में मिलेगा बैक्टीरिया के शरीर में। पिलाई क्या काम करते हैं, पिलाई एक प्रोटीन है, पिलीन, प्रोटीन का नाम है पिलीन। इस पिलीन प्रोटीन से बने हुए होते हैं, ये काम क्या करते हैं, बैक्टीरिया में कंजुगेशन का काम कराते हैं, बैक्टीरिया के अंदर कंजुगेशन ब्रिज फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब ये कंजुगेशन क्या है, ये मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, फिलहाल आप बस इतना फोकस रखें और यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं 3 सेकंड में इसको इरेज करने जा रहा हूं, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी हमने अब जान लिया है, इसके बाद बात करते हैं लोकोमोशन की। तो ये लोकोमोशन कैसे करता है, इसके बॉडी में जो लोकोमोशन होती है वो फ्लैजिला होती है। फ्लैजिला के थ्रू अगर कोई मोशन करता है तो एक तो है स्वार्मिंग मूवमेंट, मतलब इसको घुमाता रहेगा पानी के अंदर, मतलब जैसे एक बोट के पीछे पंखा घूमता है ना, बोट के पीछे पंखा होता है, ठीक है, जैसे वो घूमता है, इसी तरह से ये भी घूमेगा इसके पीछे, ठीक है, मतलब ऐसी कुछ मोशन पैदा करेगा और बैक्टीरिया को आगे की तरफ धकेलेगा, इसको स्वार्मिंग मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। या फिर ये इस फ्लैजिला की मदद से, जैसे कि अभी ये सीधा फ्लैजिला पड़ा है, फिर ये सरफेस से इस तरह से अटैच होगा और आगे की तरफ धकेलेगा बैक्टीरिया को, इस तरह से, क्लियर है, इस तरह से भी धकेल सकता है। एक और मूवमेंट इनके अंदर देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं ग्लाइडिंग मूवमेंट। ग्लाइडिंग मूवमेंट कैसी होती है, देखिए सुनिए ध्यान से, देखिए इसमें क्या होता है, इसके बॉडी पर आप यहाँ देखिए, इसकी बॉडी में ना यहाँ पे प्रोटीन मौजूद होते हैं, ये प्रोटीन रोटेट होते हैं, और आप इस राइट साइड में देखिए, पहले अगर ये ब्लू वाली जो लाइन आपको नीचे की तरफ दिख रही है, क्योंकि एकदम स्ट्रेट है, ठीक है, तो पहले ये वाली लाइन इनको दिखेगी, और इस प्रोटीन की मदद से ये प्रोटीन ना रोटेट करते हैं, प्रोटीन रोटेट कुछ इस तरह से करेंगे, मतलब कि अगर ये बैक्टीरिया की बॉडी है, ठीक है, इसके अंदर प्रोटीन होते हैं सरफेस पर, वो इस तरह से रोटेशन पैदा करते हैं, ठीक है, इस तरह से रोटेशन पैदा करेंगे इसकी बॉडी पर, और कुल मिलाकर के बॉडी, अगर बैक्टीरिया की पहली बॉडी ऐसे होगी तो वो इस तरह से उठ जाएगी थोड़ा सा, ठीक है, और फिर ये थोड़ा आगे की तरफ इसको धकेलेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर देखिए एकदम सी जो डायग्राम है इसके अपर राइट कॉर्नर में, यहाँ देखिए जो स्लोप बन रहा है वो अपर और आगे की तरफ, मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा यहाँ से, जो रिजल्टेंट फोर्स ये पैदा करेंगे वो आगे की तरफ पैदा करेंगे, जिसकी वजह से इनकी मूवमेंट होगी, तो उसको ग्लाइडिंग मूवमेंट बोलते हैं। ग्लाइडिंग मूवमेंट इज लाइक दिस एंड फिर दिस और फिर सीधा, ठीक है, समझ गए, क्लियर है, ग्लाइडिंग मूवमेंट समझ में। अच्छा, इसके बाद देखो इसके बाद आगे क्या है, इसके बाद आगे है न्यूट्रिशन कैसे होता है इनका। न्यूट्रिशन के अंदर ऑटोट्रॉफिक होता है और हेटरोट्रॉफिक होता है। देखिए बच्चों सुनो, यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक के अंदर दोनों ही तरह का मिल जाएगा। कौन कौन से दो मोड होते हैं ऑटोट्रॉफिक के बताइए, एक तो होता है फोटो ऑटोट्रॉफ,
एक होता है कीमोर, बाई वा, ये लड़का माइंडेड है। इसके बाद हेटरोट्रॉफिक कैसे कैसे हो सकते हैं, तो देखिए हेटरोट्रॉफिक में एक तो ये डीकम्पोजर्स हो सकते हैं, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में डीकम्पोजर्स क्या होते हैं, नहीं पढ़ा? यस सर। डीकम्पोजर्स वो होते हैं जो डेड एंड के मटेरियल पे अपना जीवन यापन करते हैं, मतलब वो ही उनका फूड सोर्स होता है, ठीक है। या फिर ये पैथोजेनिक भी हो सकते हैं, ये बैक्टीरिया कुछ होते हैं जो बीमारी कॉज करते हैं, है ना। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पहले बताया था इनके एग्जांपल्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। जैसे कि यू बैक्टीरिया का एग्जांपल क्या है, विब्रियो कॉलेरी, तब मैंने आपको बताया था कि ये कौन सी बीमारी फैलाता है, कॉलेरा, है ना। तो यहाँ से साबित हो जाता है कि ये जो बैक्टीरिया है ये कैसा है, हेटरोट्रॉफिक हो सकता है, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों यहाँ तक, आगे चले इसके बाद, उसके बाद आगे चलते हैं। हाँ जी, यहाँ तक हमने पढ़ लिया न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन के बाद हम जान लेते हैं रेस्पिरेशन कैसे करता है। तो देखो रेस्पिरेशन ये करता है एनएरोबिक, मोस्टली एनएरोबिक करता है। अब जब मैंने मोस्टली बोल दिया है तो इसका मतलब है कुछ तो ऐसे बैक्टीरिया होंगे यू बैक्टीरिया के अंदर जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन करते होंगे। सो यू हैव टू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन एनएरोबिक एंड एरोबिक फर्स्ट, बताइए। Anaerobic in the absence of oxygen, aerobic in presence or lack of oxygen. हाँ, ये होता है in the absence of oxygen. लेकिन देखिए, अगर oxygen present होता है, तो कुछ species ऐसी हैं इस bacteria की, जैसे कि अगर मैं example दूँ बहुत ही famous bacteria का, उसका नाम है Escherichia coli, ठीक है। अब देखो मैंने scientific name लिखा है तो मैं underline कर रहा हूँ separate, पता है ना क्यों कर रहा हूँ मैं, rules मैंने आपको बताए थे, ठीक है। फिलहाल तो ये बैक्टीरिया जो है, ये बैक्टीरिया फैकल्टेटिव, इसको हम बोलेंगे फैकल्टेटिव एरोब्स होते हैं, फैकल्टेटिव एरोब्स होते हैं, फैकल्टेटिव एरोब्स हम उनको बोलेंगे जो कंडीशंस के हिसाब से, मतलब जो हम फैसिलिटी उसको मिल रही है, यहां से आप वर्ड याद रखें ना फैसिलिटी, और उसको फैसिलिटी मिल रही है, फैसिलिटी तो समझते होंगे ना, अगर उसको फैसिलिटी मिल रही है एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की, तब वो कौन सा रेस्पिरेशन करेगा, एरोबिक करेगा, ठीक है। और अगर उसको फैसिलिटी मिल रही है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की, मतलब उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तब वो कौन सा करेगा, एनएरोबिक करेगा। समझ गए, क्लियर है, समझ में आ गया यहां तक कि एरोबिक कब करेगा, एनएरोबिक कब करेगा। हाँ, तो इसीलिए हम इन तरह के बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, फैकल्टेटिव एरोब्स बोलते हैं। एरोब्स हम उनको बोलेंगे जो एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे, एनएरोब्स हम उनको बोलेंगे जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे। इज दैट क्लियर और नॉट? यस सर। धन्यवाद, चलो आगे चलते हैं। यहाँ ये मैं बता दे रहा हूं, आप 3 सेकंड में इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अब देखो इसके बाद बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, कि ये रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पे वेजिटेटिव लिखा आया है, लेकिन आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हम उसको बोलते हैं जो प्लांट्स के अंदर होता है, है ना। मतलब द एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, तो जो प्लांट्स के अंदर एसेक्सुअल मोड्स होता है उसी को हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं, ऐसा आपने 10th क्लास में पढ़ा था। अच्छा, लेकिन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या फिर वेजिटेटिव प्रोडक्शन में आपने एक चीज देखी हो, वेजिटेटिव प्रोडक्शन में आपने एक चीज जरूर देखी होगी कि इसकी जो बॉडी है, प्लांट की जो बॉडी है, लाइक अगर उसमें रूट आ रहा है, स्टेम आ रहा है या लीफ आ रही है, आइदर रूट से न्यू प्लांट्स बनाना, या फिर स्टेम से न्यू प्लांट बनाना, या फिर लीव से न्यू प्लांट बनाना, ठीक है ना। तो मतलब बॉडी पार्ट से ही कोई न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो रहा है, तो उसके लिए टर्म दी गई है वेजिटेटिव, समझ गए। तो यहाँ पे वेजिटेटिव जो वर्ड आया है एक्चुअल में ये एसेक्सुअल ही है, समझ गए। यहाँ पे जो वेजिटेटिव मोड है ये एसेक्सुअल से अलग नहीं है, आप इसको एसेक्सुअल में भी लिख सकते हो, क्लियर है। बस वेजिटेटिव का ऐसा मतलब है कि बॉडी से ही, बॉडी के ही किसी पार्ट से न्यू ऑर्गेनिज्म पैदा हो जाएगा, बॉडी के ही किसी पार्ट से न्यू ऑर्गेनिज्म पैदा हो जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन।
इन केस ऑफ बैक्टीरिया, समझ गए। हालांकि ये अभी भी एसेक्सुअल मोड ही है, ठीक है। अब बडिंग क्या होता है, बडिंग में बॉडी से ही कोई आउटग्रोथ पैदा हो जाती है ना, आपने पढ़ा होगा बॉडी से ही कोई आउटग्रोथ पैदा हो जाती है और उसी से न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाता है, क्लियर है। और देखो आप बिल्कुल इस चीज को माइंड में लाना ही मत कि हमारे एग्जाम नहीं हुए टेंथ क्लास के। देखिए आपके पास जो नॉलेज है ये इस बात का प्रूफ है कि आपको एग्जाम की जरूरत कितनी थी और कितनी नहीं थी। अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं है अभी तक टेंथ क्लास की, तो डेफिनेटली आपको एग्जाम ना होने की खुशी होगी, और अगर आपके पास नॉलेज है तो आपको थोड़ा सा तो दुख होगा, लेकिन इस बात से आप खुद को सेटिस्फाई कर सकते हो कि हाँ इलेवेंथ क्लास की चीजों को मैं इजीली ग्रेस्प कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। क्लियर है, मेरी बात को समझ रहे हो? Yes, sir. अच्छा, फिजन, फिजन में क्या होता है, बॉडी ही डिवाइड हो जाती है, मतलब बॉडी से ही तो दो सेल्स बन जाती है अलग अलग, बनती नहीं बनती फिजन में, है ना। बर्डिंग में एक आउटग्रोथ पैदा होती है। तो ये था वेजिटेटिव। एसेक्सुअल को अलग से क्यों लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, क्योंकि एसेक्सुअल में कोई स्पेशल स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं जिनको हम स्पोर्स बोलते हैं, तो स्पोर्स की मदद से भी बैक्टीरिया पैदा होते हैं। तो जो जो स्पोर्स इनके अंदर देखने को मिलते हैं उनके नाम है कोनिडिया, एंडोस्पोर और जूस्पोर। स्पोर कुछ नहीं है, बॉडी के अंदर में ही कुछ ऐसे सेल्स पैदा हो जाएंगी, फिर ये सेल फटेगी इसकी, और मतलब स्पोर पैदा हो जाएंगे बॉडी के अंदर, और फिर ये बॉडी जब फटेगी इसकी तो ये स्पोर से ही न्यू न्यू बैक्टीरिया पैदा हो जाएंगे। समझ गए बच्चों कैसे पैदा होगा, क्लियर है, बॉडी के अंदर में ही स्पोर पैदा हो जाएंगे। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप 3 सेकंड में। इसके बाद अब देखो बात करते हैं सेक्सुअल मोड की। अब देखो बैक्टीरिया में मेल और फीमेल को तो हम पहचान नहीं सकते, तो इसीलिए इसके सेक्सुअल मोड को मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है यहाँ पे, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। अब इस चीज की रिगार्डिंग मैं अपने दोस्त से डिस्कस कर रहा था, मेरा दोस्त है ठीक है, उससे मैं डिस्कस कर रहा था, उसने मुझे बताया यहाँ पे सेक्सुअल के बजाय पैरासेक्सुअल वर्ड हम यूज करते हैं, ठीक है, पैरासेक्सुअल। तो बैक्टीरिया केस में सेक्सुअल के बजाय जो मोर करेक्ट वर्ड है वो कौन सा है, पैरासेक्सुअल वर्ड मोर करेक्ट है फिलहाल। लेकिन एक्चुअल में जो चीज है इसके पीछे वो मैंने खुद से लिखी है यहाँ पे, वो है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। अब देखो सेक्सुअल प्रोडक्शन को आप ध्यान से देखिए, सेक्सुअल प्रोडक्शन में होता क्या था, सेक्सुअल प्रोडक्शन में क्या होता था, मेल गैमिट आता था और फीमेल गैमिट होता था, ठीक है। मेल के अंदर डीएनए, गैमिट के अंदर डीएनए तो होगा, और फीमेल के गैमिट में भी क्या होगा, डीएनए होगा, है ना। ये डीएनए एक्चुअल में इनके अंदर क्रोमोसोम की फॉर्म में होते हैं और इसके अंदर भी ये क्रोमोसोम की फॉर्म में होते हैं। तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है तब क्या फॉर्म हो जाते हैं, पेयर फॉर्म होता है, नहीं होता है, होता ना पेयर फॉर्म, मतलब दोनों की डीएनए मिल रहे नहीं मिल रहे। देखिए क्रोमोसोम कैसे बनता है, डीएनए के पैक होने से बनता है, ये बात आप जानते होंगे, समझ रहे हो नहीं समझ रहे? Yes, sir. हाँ, तो ये क्रोमोसोम्स जब मिल रहे हैं मतलब डीएनए मिल रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन ही तो हो रहा है, यहाँ पर भी तो कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी एक्चुअल में क्या होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक का मतलब डीएनए का कॉम्बिनेशन ही तो हो रहा है। तो बैक्टीरिया के केस में एक्चुअल में जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है ये क्या अभी बताऊंगा, ट्रांसडक्शन क्या ये भी बताऊंगा, और कंजुगेशन क्या ये भी अभी बताऊंगा। फिलहाल आप ये बताओ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या समझ में आया, मतलब डीएनए का मिलना, क्लियर है, अलग अलग, जैसे कि अब इसमें भी क्या होगा, बैक्टीरिया के अंदर एक अलग बैक्टीरिया होगा, एक और अलग बैक्टीरिया होगा, मतलब इन दोनों का डीएनए मिलेगा, मतलब डीएनए फ्यूज कराना हमें कुल मिलाकर, क्लियर है। और अगर डीएनए फ्यूज हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। चलो इसके बाद आगे बात करते हैं, आप इसका भी स्क्रीन शॉट ले सकते हो। चलो अब आगे बात करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ये पूछ लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। तो देखिए ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, देखिए मान के चलो ये बैक्टीरियल सेल है, लिविंग बैक्टीरियल सेल है, और इसके बाहर कहीं कोई डीएनए पड़ा है इसी की स्पीसीज के बैक्टीरिया का, याद रखना सेम स्पीसीज के किसी दूसरे बैक्टीरिया का डीएनए पड़ा है बाहर, तो ये डीएनए इसकी बॉडी में आ जाएगा ये, या फिर ऐसा कह लो कि ये इस डीएनए को अपनी बॉडी के अंदर ले लेगा और फिर ये डीएनए इसकी बॉडी में एक्सप्रेस करेगा,
एक्सप्रेस करेगा. एक्सप्रेस करने का मतलब बस यहाँ पे इतना है, अभी आप इतना समझ लो कि ये अपने कैरेक्टर्स को शो करेगा, मतलब कि अपने कैरेक्टर्स को शो करेगा, कैरेक्टर शो करेगा, मतलब हर डीएनए कोई ना कोई कैरेक्टर को शो करता है. ये आपने जेनेटिक्स से पढ़ा होगा दसवीं क्लास में. yes, जैसे टी जीन, टी जीन है ना, करते हैं ना अपने कैरेक्टर को शो करते हैं. yes, sir. है ना, हाँ. तो ये अपने कैरेक्टर को शो करेगा और इस तरह से जो बैक्टीरिया है उसके जो उसका जो काम है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा. वो बैक्टीरिया का पूरा क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा. ट्रांसफॉर्म मतलब बदल जाएगा, क्योंकि उसके अंदर अब डीएनए क्या हो गया, बदल गया है. हम लोग इतने अलग क्यों दिखते हैं एक दूसरे से, क्योंकि हम सबका डीएनए क्या है, अलग अलग है या नहीं है, इसलिए हम सब एक दूसरे से इतना अलग दिखते हैं. तो जब इसका ही डीएनए कोई दूसरा बाहर से डीएनए इसके अंदर आ जाएगा तो ये बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म होगा नहीं होगा, ये बताओ, है ना. तो ये हो जाएगा ट्रांसफॉर्म. अब देखो ट्रांसडक्शन क्या होता है ये हम जान लेते हैं, ठीक है. ट्रांसडक्शन क्या होता है, अब हम बात करते हैं ट्रांसडक्शन की. अब देखो ट्रांसडक्शन क्या होता है, ट्रांसडक्शन देखो बच्चों सुनो. मान के चलो ये बैक्टीरियल सेल है, ठीक है. बैक्टीरियल सेल में लिए, अच्छा मैं इसका सिलेंड्रिकल शेप ले रहा हूँ, बताना ये कौन सा बैक्टीरिया है, बेसिलस है, कोकाई है, विब्रियो है, कौन सा है, नहीं आ रहा यार, चलो कोई बात नहीं मैं बता देता हूँ. ये बेसिलस है, ठीक है ना. सिलेंड्रिकल बैक्टीरिया के लिए हम बेसिलस वर्ड यूज करते हैं. इसके ऊपर एक बैक्टीरियोफेज आ गया है, ये क्या है, एक बैक्टीरियोफेज है. अच्छा बैक्टीरियोफेज एक तरह के ना वायरस होते हैं. देखो बैक्टीरियो मतलब बैक्टीरिया, फेज मतलब ईट, मतलब ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो सॉरी ऐसे वायरस हैं जो किसको ईट करेंगे, बैक्टीरिया को ईट करेंगे, ठीक है, मतलब बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे. तो मान चलो ये है इस बैक्टीरियोफेज मतलब वायरस के अंदर कोई ना कोई डीएनए होगा, ठीक है. और नीचे में आपका इस बैक्टीरिया का अपना कुछ डीएनए होगा, ठीक है, अपना डीएनए होगा जो मैंने राइट साइड में बनाया है. तो होगा क्या केस, क्या होगा, ये जो है अपने डीएनए को इसके अंदर इंसर्ट कर देगा बैक्टीरिया के अंदर. और होगा क्या, ये जो इसका डीएनए है ये इसकी बॉडी में जाकर के क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो गया. मतलब बैक्टीरिया के डीएनए से वायरस ने अपना डीएनए जोड़ दिया. तो बताओ क्या यहाँ पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है. व्हाट इज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, मैंने आपको अभी समझाया था. उससे पहले आप मुझे ये बताइए क्या यहाँ पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हुआ. यस सर, हुआ ना, हाँ जी. तो सर में आया ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन में क्या फर्क है, क्लियर है. ट्रांसडक्शन में तो एक वायरस आएगा, ठीक है ना, वायरस इन्फेक्ट करेगा किसी सेल को. और अब ये बैक्टीरिया इस डीएनए मतलब अब इसके जो फीचर है, अब इसका जो एक्सप्रेशन है वो बदल जाएगा, इसके एक्सप्रेशन में चेंज आएगा, नहीं आएगा. आप चीजों को समझे, समझ में आ गया बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसडक्शन. चलो इसके बाद आगे बात करते हैं, इसके बाद आगे बात करते हैं. इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप. चलो इसके बाद बात करते हैं कंजुगेशन की. मैंने आपको बताया था कि मैं आपको कंजुगेशन बताऊंगा और कंजुगेशन में कौन सा स्ट्रक्चर हेल्प करता है. पिलाई हेल्प करता है, मैंने बताया था, ठीक है. ये रहा इधर, इधर बताया था मैंने, पिलाई हेल्प करता है. चलो कोई बात नहीं, हो जाता है. फिलहाल कंजुगेशन क्या होता है, देखो बच्चों दो बैक्टीरिया आते हैं, जैसे कि ये एक बैक्टीरिया है और एक दूसरा बैक्टीरिया है. पिलाई एक प्रोजेक्शन ही है, इनका जो पिलाई है वो आपस में कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इन दोनों बैक्टीरिया का. मतलब ये है बैक्टीरिया वन और ये है बैक्टीरिया टू. पिलाई की मदद से इन्होंने बीच में एक ब्रिज फॉर्म कर दिया है, इस ब्रिज को हम बोलेंगे, इस ब्रिज को हम बोलेंगे कॉन्जुगेशन ब्रिज.
ठीक है ना, इस ब्रिज का नाम है कॉन्जुगेशन ब्रिज। इस कॉन्जुगेशन ब्रिज की मदद से देखो होगा क्या, देखो बैक्टीरिया के पास में दो तरह के डीएनए होते हैं, एक तो होता है क्रोमोसोमल डीएनए, इसका क्रोमोसोमल डीएनए, क्रोमोसोमल डीएनए वो होता है जो उसके बॉडी के मेन कैरेक्टर्स को शो करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, और एक होता है क्रोमोसोमल डीएनए के बाहर एक डीएनए होता है छोटा सा जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। तो होगा क्या, एक बैक्टीरिया को इसमें से हम बोलेंगे एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया, एक को हम बोलेंगे एफ नेगेटिव बैक्टीरिया। तो एफ पॉजिटिव वाला अपने इस डीएनए को यहां भेज देगा और ये वाला अपने इस डीएनए को इधर भेज देगा। तो बताइए क्या यहाँ पे डीएनए के अदला बदली हो रही है, तो इस बैक्टीरिया के अंदर अब नया डीएनए का कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं बनेगा? तो ये इस तरह से होता है कंजुगेशन, ठीक है ना। और इस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को, इस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को हम बोलते हैं प्लाज्मिड, ठीक है ना, प्लाज्मिड। मैं देखो आपको एक एक वर्ड का मीनिंग समझा देता हूँ, PLASMID है, ठीक है, आप स्पेलिंग को याद रखिएगा। यह है प्लाज्मिड, अगर कोई भी आपसे पूछे तो बता देना प्लाज्मिड होता क्या है, तो प्लाज्मिड होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है ना। अब देखो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को हम बोल रहे हैं प्लाज्मिड, और कंजुगेशन में ये एक्सचेंज हो गए हैं यहाँ पे, तो नया कॉम्बिनेशन बना है, इसलिए इसको भी हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बोलेंगे, ठीक है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के तीन टाइप समझ में आ गए, ट्रांसफॉर्मेशन ये आ जाता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रांसडक्शन और कंजुगेशन, समझ में आ गया? यस सर, ठीक है ना बच्चों। अच्छा इसको याद रखिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अच्छा फिलहाल मैं बात कर रहा था एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को एक्सप्लेन करने की। देखो एक्स्ट्रा मतलब होता है बाहर, मैं आपको मंत्र दे देता हूँ कुछ, बायोलॉजी में सारे मैंने दे भी रखे हूँ, एक वर्ड होता है एक्स्ट्रा बायोलॉजी में, एक होता है इंट्रा, एक होता है इंटर। इंटर का मतलब होता है, इंटर का मतलब होता है किसी भी चीज के बीच में, जैसे कि दो चीज के बीच की अगर मैं बात कर रहा हूँ, इंटर मतलब होता है किसी भी चीज के अंदर की बात, जैसे कि इस बॉडी के सरफेस के मैं अंदर की बात कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा का मतलब होता है इस बॉडी के बाहर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो देखो मैंने अभी बताया था ये कौन सा डीएनए है, ये है क्रोमोसोमल डीएनए, है ना, बताया था मैंने ये कौन सा डीएनए, क्रोमोसोमल डीएनए। अब क्रोमोसोमल डीएनए के बाहर कुछ मिल रहा है तो उसको मैं क्या बोलूंगा, बाहर अगर कोई डीएनए मिल रहा है तो उसको मैं ये तो बोलूंगा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, यस सर। पर मैं आ गया, तो ये मंत्र याद रखना, मैं ऐसे बायोलॉजी के ना मंत्र आपको देता रहूंगा जिससे कि आप लोग कभी अटके नहीं कि हाँ इसका मीनिंग क्या है। अगर आप डेफिनेशन भूल भी रहे हो एग्जाम में तो मेरे मंत्रों को आप अगर याद रखोगे तो उसकी डेफिनेशन आप डेफिनेटली एग्जाम में कुछ ना कुछ बना के आ जाओगे, और बस कोई फेल तो कर सकता ही नहीं है, फेल क्या आप तो अच्छे मार्क्स लेके आओगे, ठीक है, मेरिट की सोचो, टॉप टॉप बनने की सोचो, टॉप एकदम, ठीक है। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, फिलहाल में देखो बच्चों इसके बाद आगे बात करते हैं, ठीक है, अब आगे बात करते हैं। इसका डिस्टिंक्ट फीचर क्या है, सबसे अलग फीचर क्या है इसका, तो ये इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये स्कैवेंजर होते हैं। स्कैवेंजर मतलब देखो जब आपके गली के आसपास या फिर कहीं भी आपने कोई डेड बॉडी देखी होगी पशुओं की, एनिमल्स की, जैसे कि डॉग मर गया, कोई भी मर जाता है, तो वो चले कहाँ जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। कैसे मिल जाते हैं, कैसे मिल जाते हैं, वो डिकम्पोज हो जाते हैं, बैक्टीरिया हाँ, बैक्टीरिया, सही बात कह रहे हो आप एकदम, बैक्टीरियो की वजह से, क्योंकि बैक्टीरिया क्या करते हैं उसको डिकम्पोज करते हैं, और क्योंकि ये बैक्टीरिया इस अर्थ के ऊपर सफाई बना के रखते हैं, सफाई बना के रखते हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं नेचुरल स्कैवेंजर, नेचुरल स्कैवेंजर, नेचुरल स्कैवेंजर मतलब प्राकृतिक सफाई वाले, जो नेचर में सफाई बना के रखेंगे। और देखो इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और क्या है, ये फर्मेंटर्स में यूज की जाती है, फर्मेंटेशन की मदद से देखो हम क्या क्या चीज बना सकते हैं, फर्मेंटेशन की प्रोसेस से, फर्मेंटेशन में एक गैस प्रोड्यूस होती है CO2, अगर आपको पता हो, है ना। तो फर्मेंटेशन में होता क्या, जैसे कि हम बना देंगे इसमें, एक तो बेकिंग में यूज करेंगे, बेकरी में, बेकरी में जैसे ब्रेड वगैरह बनते, नहीं बनते, यस सर,
और ब्रीवर्स में यूज कर सकते हैं. ब्रीवर्स मतलब जो शराब वगैरह, वाइन, विस्की, रम, वोडका, ये सब बनाना है, मतलब एल्कोहलिक जो सब्सटेंस है जिसमें फर्मेंटेशन जरूरत पड़ती है. तो फर्मेंटेशन की प्रोसेस कराने के लिए बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट होते हैं ये वाले, ठीक है, समझ गए. अच्छा, ये कुछ बैक्टीरिया नाइट्रोजन को भी फिक्स करके देते हैं. कुछ बैक्टीरिया जो किसको फिक्स करके देंगे, नाइट्रोजन को फिक्स करके देंगे, जैसे कि राइजोबियम एक एग्जाम्पल है. राइजोबियम आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में भी. राइजोबियम ये पल्सिस प्लांट की रूट से मिलता है और वहां पे नाइट्रोजन को फिक्स करके देता है. और ये पैथोजेनिक भी हो सकते हैं. अब देखिए, पैथोजेनिक बैक्टीरिया का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या हुआ, मतलब इससे हमें फायदा क्या हुआ, जबकि ये तो बीमारी फैलाता है. आप देखिए, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ यहीं पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है. इतना ही पढ़ लीजिए आज, आप बहुत पढ़ लिया होगा, थक गए होंगे आप लोग, ठीक है. फिलहाल मैं आपको एक चीज पढ़ाता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि इतना सब होने के, ये पैथोजेनिक होने के बावजूद भी इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है. तो देखो बच्चों, एक वैक्सीन होती है, वैक्सीन, वैक्सीन जानते हो? यस सर. देखो, वैक्सीन बनाने के लिए ना हमें हमें क्या चाहिए. वैक्सीन की डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं तो आप ऐसे दे सकते हो, ये डेड या फिर वीक. वीक को आप डिसआर्म्ड बोल सकते हो, डिसआर्म्ड. डिसआर्म्ड मतलब जो कुछ नहीं कर सकता है, जो बीमारी नहीं फैला सकता. तो वीक या फिर डिसआर्म्ड पैथोजन का एक सॉल्यूशन होता है, ठीक है, वैक्सीन के अंदर. वैक्सीन के अंदर यही होता है. तो जब ये हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाएगा, जब ये हमारी बॉडी के अंदर क्या किया जाएगा, इंजेक्ट किया जाएगा, मतलब बॉडी के अंदर डाला जाएगा, ठीक है. जब ये हमारी बॉडी के अंदर डाला जाएगा, तो बॉडी के अंदर डालने के बाद हमारी बॉडी इस डेड, हाँ, इसके खिलाफ क्या बना सकती है, एंटीबॉडी बना सकती है. तो इसीलिए समझ में आया क्यों इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या हो गया. क्लियर है? यस सर. तो मेरे हिसाब से इतना ज्ञान काफी, मैंने सोचा था बहुत कुछ बताने का, लेकिन मैं एक्चुअल में देखो, अभी तो मैं आपको आगे और क्या क्या पढ़ाता, बहुत कुछ पढ़ाता, लेकिन अभी मैं उसको रिवील नहीं करूंगा. आप ओवर देख लो, अभी तो साइनोबैक्टीरिया की स्लाइड बच रही है, एक्टिनोमाइसिटीज, माइकोप्लाज्मा, ये सब बच रहा है. लेकिन मैंने आपको यू बैक्टीरिया में इतना कुछ डिटेल में बता दिया है कि आप उसको लिख लेंगे ना कहीं से, ठीक है. फिलहाल आप करोगे क्या, देखो, हैबिटेट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी, लोकोमोशन, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, डिस्टिंग फीचर, इसको लिखोगे. लास्ट में आप बनाओगे हेडिंग एग्जाम्पल्स की, और एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए थे, ठीक है ना, आपको वो ही एग्जाम्पल लिख लेने हैं. क्लियर है? एग्जाम्पल्स लिखने के बाद आपको इनमें से किसी की भी ड्रॉइंग सर्च करनी है, एग्जाम्पल में से गूगल से सर्च कर लेना और फिर उसको बना लीजिएगा. क्लियर है? उसको फिर बना लेना है आपको. अब होता क्या है, देखो मैं एक्सप्लेन करते करते बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर देता हूँ, और फिर इसी में हमारे 40 मिनट जूम मीटिंग के निकल जाते हैं. मन तो करता है कि दो दो क्लास होनी चाहिए आपके साथ, लेकिन ऐसा होता नहीं है. अब क्या करें, समझ आ गया बच्चों? पर मैं आप लोगों के लिए मेहनत करी है, मैंने ये सब रात को बनाया था, ठीक है, और आपके सामने दिखा दिया है. फिलहाल जो मैंने पढ़ाया है इसके रिगार्डिंग कोई आप पूछ सकते हो सर? यस, पूछिए. एक सर, आप होटल भी रहते हो ना? यस. एक प्रॉब्लम थी सर, वो स्टेशनरी के स्टॉक शॉप बंद है. यस, प्रॉब्लम है. अच्छा, फिर उसकी कह रहे हो आप कि वो वाली नोटबुक हमारी नहीं. कोई बात नहीं बच्चों, ऐसे कर लो, आप A4 साइज की शीट्स हैं आपके घर में ब्लैंक, वो भी सर लानी पड़ेंगी, वो भी खत्म हो गई. तो मेरे पास आ जाओ, मेरे पास ले जाओ एक रैक. सर, हम कोशिश से होटल थोड़ी आ सकते हैं. अच्छा, तुम होटल से बाहर